आप डॉक्टर हैं, आप सिर्फ इलाज की। क्या आपके गांव में भी पानी की प्रॉब्लम है? हाँ बेटा, पानी की प्रॉब्लम तो पूरे इलाके में है। तुम्हें किसी भी दोस्त से बात करने की जरूरत नहीं है राहुल, तुम अकेले ही हमारी बहुत मदद कर सकते हो। तुमसे दूध क्यों होना चाहती हूँ? तुम भाग रही थी मुझसे, तुमने क्या सोचा कि तुम यहाँ से चली जाओगी, मुझसे दूर हो जाओगी और मैं तुम तक नहीं पहुँच पाऊंगा? ये तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं है, ये विदेश है। और तुम्हारी ये स्मार्टनेस तुम्हें कितनी भारी पड़ेगी ये तुम्हें घर आकर ही पता चलेगा। पहले से भी बदतर हाल कौन कौन है तुम्हारा? डॉक्टर प्लीज, मैं घर नहीं जाऊंगी। प्लीज रणवीर मुझे मार देगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी सोनाली, मैं तुम्हें अपने घर वापस भेजूंगी। I can't tell you Anita, she's in such a terrible state. उसकी हालत तो यहाँ बहुत खराब है, और तो और वो US में किसी को नहीं जानती। She doesn't know anybody out here. उसकी मदद करने के लिए भी कोई नहीं है यहाँ। हाँ, लेकिन वो ये कदम उठा पाएगी या नहीं ये मैं नहीं जानती, but I want to help her. मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। I'm planning to arrange her to send her back to India. अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करूँगी अनीता। एक बार वो ये नर्क की जिंदगी से निकल जाए, फिर वो अपनी जिंदगी शुरू कर सकती है इंडिया में विद हर पेरेंट्स। एनीवे, थैंक्स अ लॉट। ओके, बाय, सी यू। अनीता आंटी ने क्या कहा? वही कहा जो मैंने सोचा। कह रही है कि सोनाली को वापस जाना चाहिए इंडिया, अपने पेरेंट्स के पास। लेकिन निकी, आई एम रियली वरीड फॉर हर। वो अकेली इस तरह? मामा, आई हैव अ प्लान। प्लान? मेरे सेमेस्टर्स तो कल खत्म हो जाएंगे, तो सोनाली को लेकर मैं इंडिया जा सकती हूँ। तेज, आर यू प्लानिंग टू गो टू इंडिया? या मामा, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे इंडिया जाने का मन है, और ये तो बहुत अच्छा मौका है। देखिए मामा, पापा वैसे भी सिड की वजह से बहुत अपसेट हैं। मैं वहाँ जाऊँगी तो सिड को समझाऊंगी। मामा, मुझे इंडिया जाना है। वो सब तो ठीक है आशा, तुम्हारे पापा राजी होंगे? आई डोंट थिंक सो। डोंट वरी अबाउट दैट, उन्हें राजी करना मेरा काम है। हमें और कोशिश करनी चाहिए राहुल। हाँ सेठ। उन इंटरनेट साइट्स का क्या हुआ जो तुमने देखी थी? उनमें से हमें ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो इस वक्त हमें काम आ सके। पालमपुर में जहां जहां पानी की पॉसिबिलिटीज थी, वहां गांव वाले पहले भी ट्राई कर चुके। रहमत चाचा ने जो भी कहा था वो एकदम सच होता हुआ नजर आ रहा है। कम ऑन मम्मी, रहमत चाचा जैसे लोग साइंटिफिक रीजन पे कोई माने नहीं रखते, और क्या पता काफी सारी बातें तो उसमें से तुक्का थी। लेकिन बेटा, उनकी जितनी भी बातें हैं वो सारी सच हुई है। 3 साल पहले उन्होंने कहा था पानी का संकट आएगा, आया। लोगों ने जहां जहां भी खुदाई की थी उन्होंने कहा था पानी नहीं मिलेगा, नहीं मिला। आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? कौन है ये रहमत चाचा? रहमत चाचा पालमपुर के एक पहुंचे हुए फकीर हैं। उन्हें अपने गुरु से सिद्धि प्राप्त हुई है। वो जहां पे भी खड़े होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि वहां पानी है कि नहीं, और उसी हिसाब से वो लोगों को बताते हैं कि वहां खुदाई करें या नहीं। फिर तो हमें उनसे जाके मिलना चाहिए। कम ऑन सेठ, ये रहमत चाचा जैसे लोग, ये भिखारी या फकीर हमारे किस काम के यार? राहुल, इन लोगों के पास पावर्स होती है, इंट्यूशन की। साइंटिफिक वर्ल्ड जब इन बातों को रिजेक्ट नहीं कर सका तो फिर हम क्यों करें? हमें रहमत चाचा जैसे लोगों की मदद लेनी चाहिए, शायद उनका कोई एक्सपीरियंस हमारे काम आ सके। तुम्हें मालूम है रहमत चाचा कहाँ रहते हैं? हाँ मालूम है। Then we should go right away. क्यों भाई जवानों? हेलो चाचा। अरे जीते रहो जीते रहो। भाई दलजीत बता रही थी कि आजकल बड़ी मेहनत कर रहे हो तुम लोग। ये लोग रहमत चाचा से मिलने जा रहे हैं। अच्छा बेटा, तू तो अमेरिका से आया है, तो इन फकीरों में बिलीव करता है? क्यों नहीं चाचा, हमें जहां से भी सच की नॉलेज मिले मैं वहां जाना चाहूंगा। सच सिर्फ वही नहीं जो लेबोरेटरीज में प्रूव किया जाता है। इंडिया के एस्ट्रोनॉमर्स के पास भी कोई टेलीस्कोप नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें बताया कि धरती गोल है और सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। तब कोई नहीं मानता था, लेकिन जब साइंटिफिकली प्रूव हो गया तो सब मानते हैं।
शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। काश हिंदुस्तान के हर नौजवान में अपनी संस्कृति को सही तरह से जानने का यही जज्बा हो, यही जज्बा हो। हम लोग आगे तो बढ़े लेकिन अपनी धरोहर के मूल्य को जाने। शाबाश बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग कामयाब रहोगे। जाओ बेटा जाओ। थैंक यू चाचा। देखा दलजीत, अच्छी सोबत का असर कितनी जल्दी पड़ता है। सच कह रहे हैं आप। हमारा राहुल कितना बदल गया। अरे इसकी आंखों में इतना विश्वास, इतना जोश मैंने कभी नहीं देखा। और आज देखो, अपने गांव के लिए, अपनी मिट्टी के लिए खून पसीना एक कर रहा। We should be proud of our son. रहकर शायद खुदा भी इस गांव से खफा है। मैंने बहुत कोशिशें की लेकिन यहां पानी नहीं मिलेगा, मेरे बच्चों नहीं मिलेगा। चाचा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब इस गांव के लोगों में यकीन नहीं रहा। जहां यकीन नहीं होता वहां कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी। नहीं चाचा, आप और हम चाहें तो मिलकर लोगों का यकीन वापस लौटा सकते हैं। वो उम्मीद खो चुके हैं, हिम्मत हार चुके हैं, फिर भी हमारी मदद के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया है। चाचा मुझे आप और खुदा दोनों पर यकीन है। चाचा चाचा आपको प्लीज एक बार कोशिश करनी पड़ेगी। हाँ चाचा, आपको हमारी मदद करनी ही होगी। वो देखिए चाचा, हमें इस गांव में पानी लाना है, बस एक बार। आप एक बार फिर से कोशिश करके देखिए चाचा, प्लीज। हमारे पास यंत्र हैं और आपके पास खुदा की देन। हम मिलकर इन गांव वालों की खुशियां वापस लौटा सकते हैं। चाचा मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। इन गांव के लोगों को आपकी जरूरत है। इस गांव में पानी जरूर आएगा। आप एक बार कोशिश करके देखिए, हमारे लिए, इन गांव के लोगों के लिए। ए मालिक रहम कर। बच्चों, तुम्हारी ये बातें सुनने के बाद मैं तो क्या, शायद खुदा भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा।
थैंक्स। आपने सिड को फोन किया? मैं किसी को फोन नहीं करूंगा। आई जस्ट वॉन्ट टू सी हिम हियर बैक इन द US। मेरे बस में होता तो मैं उसको खुद लेकर आता। आशा उसे वापस ले आ सकती है। मेरा मतलब है, आशा इंडिया जाना चाहती है। किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सत्या, आशा सिद्ध को समझा सकती है। He listens to her। उसे पता तो चलेगा कि वहां क्या हो रहा है। I've said no. No, once and for all. And I don't want to hear anything regarding this. Am I understood? मैं जानती हूं पापा, आप सिद्ध की वजह से अपसेट हैं। लेकिन पापा, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसकी गलती की सजा आप मुझे दें। अपने सेमेस्टर्स के बाद मैं इंडिया जाने वाली थी और 6 महीने से मैं इसका प्लान बना रही थी। आप भी कितने खुश थे पापा कि इतने सालों तक पढ़ाई की वजह से मैं इंडिया नहीं जा पाई और इस साल जाऊंगी। और अब पापा, सिड की वजह से आप मुझसे भी नाराज हैं। नहीं बेटा, मैं नाराज नहीं हूँ। I'm kind of worried। अच्छा पापा, एक बात बताइए, आप मुझे सबसे ज्यादा समझदार और सुलझी हुई मानते हैं ना? है ना? तो क्या आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है? प्लीज पापा, प्लीज लेट मी गो, लेट मी टॉक टू हिम, लेट मी हियर व्हाट ही वांट्स टू से। पापा, हमें जो उसकी फिक्र है ये वो समझ नहीं पाएगा जब तक मैं जाकर उसे नहीं समझाऊं। पापा, आप ही कहते हैं कि प्रॉब्लम कैसी भी हो, वी कैन रिजॉल्व इट इफ वी कम्युनिकेट वेल। तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अपने पापा बहुत इस्तेमाल करती हो और कामयाब भी हो जाती है। थैंक्स पापा। गॉड ब्लेस यू। Did you speak to Papa? क्या कहा उन्होंने? आप लोग तो पापा को जानते ही हैं, कभी किसी की बात नहीं मानते। लेकिन अगर कोई ढंग से रीजनेबल सेंसिबल बात करे तो मान भी जाते हैं। मुझे तो पहले ही पता था कि वो क्या कहा? तुम्हारे पापा मान गए? पापा gave you the permission to go to India. Yes! Great piece of news. Yeah. मामा, अब आपको सोनाली से बात कर लेनी चाहिए। सोनाली को उसके पेरेंट्स के पास पहुंचाना अब हमारी जिम्मेदारी, राइट? And on top of that, I'm going to India. सिद्धांत। हेलो मामा। बेटा कैसे हो तुम? आई एम फाइन,
इतना बिजी हो गए मामा को भूल गए, फोन भी नहीं करते। हाँ मामा, आप तो जानती हैं कि ये काम कितना मुश्किल है। वी ऑल आर वर्किंग रियली हार्ड। आई नो बेटा, इसलिए तो फिकर हो रही है। फिकर कैसी मामा, हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं। एंड वी गोना सक्सीड। द होल विलेज इज विद मी, सब लोग मेरे साथ हैं। बस एक बार गांव वालों को पानी मिल जाए। वैसे पानी का सोर्स तो अभी हमने ढूंढना है, बट दैट विल बी आवर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए मामा। ऑफ कोर्स बेटा, ये भी कोई कहने की बात है, हम सब तुम्हारे लिए प्रे करेंगे। एंड आई नो यू विल सक्सीड बेटा। गांव में पानी लाने का जो तुम सपना देख रहे हो ना, वो जरूर पूरा होगा। हम सबको तुम पर नाज है बेटा। थैंक्स मामा। अच्छा ये सब छोड़ो, एक अच्छी सी बात बताओ, तुम्हारी दीदी आशा इंडिया आ रही है। क्या? हाँ कल ही आ रही है, मैंने मोहन भैया से भी बात कर ली है, वो एयरपोर्ट आ जाएंगे उसे लेने। दैट इज ग्रेट, दादी सुनकर बहुत खुश होंगी। अभी जाके बताता हूँ उनको। हाँ बता देना सबको, और सुनो कहना कि हम सबको बहुत मिस कर रहे हैं वहाँ। यू टेक केयर बेटा, बाय। बाय मामा, यू टेक केयर टिल देन। Excuse me. सोनाली चौधरी के सारे टेस्ट जो होने वाले थे वो हो गए? हाँ हो गए। और डॉक्टर चोपड़ा उनको चेक करने आने वाले थे दूसरे हॉस्पिटल से। Has he come in? हाँ। Can I go and see her? हाँ sure. वो वहाँ पे कर कर देंगे। Okay, okay. Thank you. सोनाली, you're ready? पता नहीं, सोनाली, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। I'm there with you. Thanks. Come, let's go. Nurse. Yes. अगर किसी ने पूछा डॉक्टर सुरेखा का, can I rounds be there? I'll be there. सोनाली चौधरी को कहा है? काफी देर हो गई, वो तो निकल गए। निकल गए? डिस्चार्ज हो गई? तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है सोनाली, यू आर एब्सोल्युटली सेफ हियर। और हाँ, जब तक हम लोग तुम्हें इंडिया नहीं पहुंचा देते, तुम यहीं रहोगी हमारे साथ। यू विल बी ओके, रणवीर कुछ नहीं करेगा। पर डॉक्टर, मैं इंडिया कैसे जा सकती हूँ? रणवीर मुझे, रणवीर कुछ नहीं कर पाएगा सोनाली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आशा तुम्हारे साथ इंडिया जा रही है, यू विल बी एब्सोल्युटली ओके। क्या तुम इस सब के बावजूद भी रणवीर जैसे इंसान के साथ जिंदगी बिताना चाहती हो? तुम्हारी जिंदगी पहले से तबाह हो चुकी है। मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है डॉक्टर, वैसे भी मैं इंडिया जाकर क्या करूंगी? कैसे अपनाएंगे मेरे पेरेंट्स मुझे, और कैसे सह पाएंगे समाज के तारे? तुम क्या बात कर रही हो सोनाली, समाज उसी इंसान को अपनाता है जो खुद के वजूद को अपनाता हो। यू हैव ऑल द राइट टू बी फ्री एंड हैप्पी, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, अपनी खुशियां हैं। क्या तुम जीना नहीं चाहते? अपनी जिंदगी अपनी खुशियों पर तुम्हारा पूरा हक है, और ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इंडिया में तुम्हें कैसे नहीं अपनाएंगे? एक बात बता सोनाली, जब तुम्हारे माँ बाप को ये पता चलेगा कि तुम पर यहाँ क्या गुजरी है यूएस में, तो क्या वो अपने आप को माफ कर पाएंगे? नहीं ना, अपनी नई जिंदगी की खातिर, अपनी पेरेंट्स की खातिर तुम्हें इंडिया वापस जाना चाहिए सोनाली। उन्हें भी तो अच्छा लगेगा कि उनकी अपनी बेटी सही सलामत सुरक्षित वापस लौट आई है। एंड थिंग्स विल बी फाइन आउट देयर फॉर यू।
I know it. Oh, come on, Sonali. हम सब तुम्हारे साथ हैं. Just don't worry. आप मेरी जिंदगी में भगवान बनकर आई हैं. अगर आप नहीं होती तो ऐसी कोई बात नहीं. सोनाली, everything will be okay. Don't worry. You'll be with your family very soon. We should get her tickets. We should not waste time. And the first thing we need is her passport. Oh, that's right. Passport. मेरा पासपोर्ट तो रणवीर के पास है. Oh God. No problem. हम आपके घर पर जाकर पासपोर्ट ले आएंगे. कैसे? Don't worry, Mama. I'll manage. Trust me. You're sure, बेटा? Yeah. सोनाली, आशा सब कुछ संभालेगी. I trust her to do that. Everything will be fine. We'll all see you and get back to India. Thank you.